हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर वैकेंसीज। अलग अलग कॉलेजेस में वैकेंसीज आई हुई हैं जिनको मैंने एक ही सेशन में कवर किया है, तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। और इसमें खास बात ये रहने वाली है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री ली हुई है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की वेबसाइट तक आपको लेकर चलती हूँ, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक भी लेकर चलती हूँ। और हर कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके माध्यम से आप इजीली उस नोटिफिकेशन को ट्रेस कर सकेंगे जहाँ रिक्रूटमेंट या वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। तो इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियोज़ को क्योंकि मैं कुछ ना कुछ यूज़फुल वीडियोज़ ही अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम आपके लिए। इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए, जो सबसे पहली हम यूनिवर्सिटी कवर करने वाले हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। डिब्रूगढ़ से लेटेस्ट आई हुई है, डिब्रूगढ़ से पहले भी वैकेंसीज आई हुई थी, अभी ये फ्रेश वैकेंसीज आई हुई हैं 17 मार्च 2020, काफ़ी रीसेंट ये रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई हुई है। 9 अप्रैल 2020 इज़ द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। 500 रुपीज़ की बैंक ड्राफ्ट लगने वाली है। चलिए, इसमें सबसे पहले काफ़ी सारे पोस्ट हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सभी के लिए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पे बैंड दिए 57,700 to 1,42,400। पे बैंड देने का मतलब है कि ये परमानेंट पोजीशन होगी, परमानेंट पोस्ट होंगे। साथ ही साथ में आपको पे स्केल दी जा रही है, 7th पे स्केल, जिसमें जो मिनिमम सैलरी बनेगी, इनहैंड सैलरी बनेगी, वो 75,000 रुपीज़ मंथली सैलरी आपकी बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो चलिए, जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम फटाफट देख लें। इंग्लिश में है, एंथ्रोपोलॉजी में 2 हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स में 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट हैं, लाइफ साइंस में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 है, एडुकेशन में 3 पोस्ट हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी सब्जेक्ट हैं। चलिए, एसोसिएट प्रोफेसर की हम देख लें। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंथ्रोपोलॉजी में 1, पॉलिटिकल साइंस में 1, फिजिक्स में 1, लाइफ साइंस में 1, इकोनॉमिक्स में 2, सोशियोलॉजी में 1 और हिस्ट्री में 1 पोस्ट अवेलेबल है। चलिए, अगर प्रोफेसर की बात कर ली जाए तो पे बैंड आप देख रहे हैं 1,44,200 to 2,18,000। इसकी जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए, इंग्लिश है, एंथ्रोपोलॉजी में 1 है, कॉमर्स में 1 है, आसामीज़ में 1 है, फिजिक्स में 1 है, मैथमेटिक्स में 1 है, सोशियोलॉजी में 1 है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जब सैलरी, मिनिमम सैलरी 75,000-80,000 बनने वाली हो, परमानेंट पोस्ट हो, तो अप्लाई करने में कोई भी बुराई नहीं। अगर आपके पास सफिशिएंट क्रेडेंशियल्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें इन सभी पोस्ट के लिए। चलिए, दूसरी यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको ज़रूर दिखा दूं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तक मैं आपको लेकर चलूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, और एडवर्टीजमेंट फॉर टीचर पोजीशन, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट नज़र आएगी एडवर्टीजमेंट सेक्शन में, और वहाँ से क्लिक करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। चलिए, मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, प्लीज़ इसकी लिंक नोट डाउन कर लें जिससे आप आसानी से वहां तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही हम दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरी रिक्रूटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। दूसरी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो आई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन दीव। तो ये दामन दीव, दादरा एंड नागर हवेली, दामन दीव की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये तरफ से आई हुई है वैकेंसीज़। तो इसकी वेबसाइट पर आप जाते ही इसकी लिंक मिलेगी आपको, और वहां से आप एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टीज़मेंट देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपके लिए ये एडवर्टीज़मेंट रीड आउट करती हूं। ये दादरा एवं नगर हवेली उच्च शिक्षा समिति सिलवासा में है, ये गुजरात विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शासकीय महाविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज है ये, यहाँ पर एफिलिएटेड विद गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, पर ये सिलवासा में आता है। यहाँ पर आपको जो वैकेंसी है, वहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं
ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसीज हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी 2 हैं और केमिस्ट्री में 3 वैकेंसीज हैं। 11 पोस्ट हैं। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी क्लियर कर दिया है कि जो सैलरी होगी वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मंथली सैलरी कंसोलिडेटेड पे देंगे। यहाँ पर कोई भी स्केल की बात नहीं की गई है और ये साफ साफ मेंशन किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा जो 6 मंथ्स के लिए होगा। पर इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी रिन्यू किया जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए दूसरी, हम इसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जिससे आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सके। ये दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये अगर यहाँ इंटरेस्टेड हो आप तो ये वेबसाइट की लिंक ज़रूर नोट डाउन कर लें जिससे ईजीली आप वहाँ तक उस वेबसाइट तक पहुंच सके और उस नोटिफिकेशन को ट्रेस कर सके। चलिए हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। ये जो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई हुई है ये रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी की कोलकाता की तरफ से। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता में है ये स्थित। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं जिसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल 2020 रहने वाली है। और यहाँ पर वेबसाइट की लिंक दी हुई है, या आप नोट डाउन कर लें, www.rbu.ac.in। यहाँ पे 1,000 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट लगने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए ST SC के लिए 500 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट लगने वाली है। और यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स पैडागोजी में, जिन्होंने मीन्स BEd MEd की हुई है और उसके बाद नेट की हुई है, ये बंगाली सब्जेक्ट्स पैडागोजी में मीन्स MEd विथ पैडागोजी बंगाली 1 पोस्ट, संस्कृत 1, मैथमेटिक्स 1, इंग्लिश 1 और हिस्ट्री 1। यहाँ मैं बता दूँ कि ये सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये पैडागोजी के लिए है। मीन्स जिन्होंने MEd विद पैडागोजी मैथमेटिक्स या MEd विद पैडागोजी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स में MEd की हुई है और साथ में नेट सेट किया हुआ है, उनके लिए ये 5 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्केल है वो पे कर रहे हैं 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6,000, मीन्स लगभग सैलरी वही आपकी 75,000 के अराउंड या उसके ऊपर बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो BEd और MEd इन सभी सब्जेक्ट्स की पैडागोजी में, अगर आपने MEd की है साथ ही साथ नेट और सेट की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है बिल्कुल। तो इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा दूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखने वाली है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिसेज रिक्रूटमेंट सेक्शन में। चलिए मैं इसकी वेबसाइट की लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ, www.rbu.ac.in। यहाँ इंटरेस्टेड हो अगर आपने MEd BEd की हुई है तो आप, और NET की हुई है या सेट किया हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रिक्रूटमेंट की तरफ हम आगे बढ़ें। ये जो लास्ट वैकेंसी है ये आई हुई है, ये आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डेट 4 मार्च 2020। यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं जो आपकी, ये जो कॉलेज है आप देख सकते हैं, ये माधव चौधरी कॉलेज है, ये माधव चौधरी कॉलेज, वेलकम टू माधव चौधरी कॉलेज, यहाँ पर वैकेंसी है। और इसकी अगर बात की जाए, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर स्क्रॉल हो रही है तेज़ी के साथ, आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, आसामीज एंड इंग्लिश। तो इसकी नोटिफिकेशन पर हम चलते हैं सीधे। इसकी नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट्स मेंशनड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आसामीज एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर भी नेट सेट मैंडेटरी किया हुआ है, 55% मास्टर्स में आपको आया हुआ होना चाहिए, 38 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2020 को। यहाँ पर एक ये है कि 4 मार्च की डेट पर ये पब्लिकेशन हुई एडवर्टीजमेंट की, और 15 डेज के विदिन एप्लीकेशन करनी थी जो कि आज 19th, अगर वक्त तो नहीं है, अगर आसपास आप लोकेलिटी में अगर आप रहते हो और आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट डेट लगभग लगभग निकल चुकी है। तो फिर भी यहाँ पर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ ही साथ ये भी सैलरी एज पर द UGC सर्कुलर और एज पर AICT ही पे करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, आसपास लोकेलिटी से बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 अलग अलग, इसकी भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँ,
रविंद्र भारती के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ये है एमसी कॉलेज की MCCAssam.org। ये कॉलेज आसाम में है, तो जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट लगभग लगभग निकलने वाली है। तो चलिए, इस तरीके से होपफुली ये सेशन आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। मैं इस तरह के यूज़फुल सेशन लेकर पुनः आपके पास आती रहूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।